दाशंग यूट एपिसोड 3 स्टार्ट होता है गुजियामन और मिसयान की शादी वाले दिन से। शादी में अब गेस्ट ने आना शुरू कर दिया था और गुजियामन का घर भी पूरी तरह से सज चुका था। यहाँ हमें गुजियामन के उस अंकल को भी दिखाते हैं जो उसकी शादी जबरदस्ती मिसयान से करवा रहा था ताकि फैमिली का लीडर बन सके। सो अंकल यहाँ अभी सभी गेस्ट को गेट पर वेलकम कर रहे होते हैं। कई बड़े घरानों से मेहमान बुलाए गए होते हैं। तभी यहाँ लॉर्ड हुई नाम का गेस्ट आता है। इनके पास लॉर्ड का टाइटल है जो इनके डैड की कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से राजा ने इन्हें दिया। जियामन के घर के पास में ही सो मोयू और छांगा भी एक टावर के ऊपर खड़े यहाँ जो कुछ भी हो रहा था उसे देख रहे थे। छांगा बोलता है कि देखना कुछ ही देर में ये शादी का जो हॉल है वो फ्यूनरल बन जाएगा। सो मोयू वहीं सैड खड़ा था, चुपचाप खड़ा हुआ था क्योंकि 7 दिन गुजर गए थे पर गुजियामन ने इसे मदद के लिए नहीं बोला। तभी नीचे डोंगजुन और चंगसंग आ चुके थे शादी रुकवाने और ब्राइड को किडनैप करने, लेकिन इन्हें रोकने मिस्टर यान के आदमी यानी एसआई की टीम के लोग बहुत सारे और गार्ड्स के साथ इन्हें रोकने आ गए थे। लड़की बोलती है कि तुम दोनों की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि यहाँ भी आ गए। तभी वहाँ मंशा और शुआन भी आ जाते हैं इन दोनों की मदद करने के लिए। अब हमें शादी के हॉल को दिखाते हैं जहाँ सभी गेस्ट आ चुके थे। अंकल इन सबको एक बार फिर से वेलकम करते हैं। यहाँ मिस्टर यान भी आ चुका था और कसाई का बॉडी गार्ड बना हुआ था। मिस्टर यान के बना में कुछ अलग लग रहे थे, वो काफी सारे गार्ड्स को भी अपने साथ लाया था और यहाँ बैठ के गेस्ट भी समझ पा रहे थे कि मिस्टर यान शादी के बाद को फैमिली को कंट्रोल करने वाला है। हॉल में दूल्हा और दुल्हन को बुलाया जाता है यानी गुजामन और मिस यान। शादी की रस्म को पूरा करने के लिए दूल्हा और दुल्हन को 3 बार बो करना होता है यानी झुकना होता है, सजदा करना होता है। जब पहले बो का अनाउंसमेंट होता है तो दोनों ही नहीं झुकते हैं। सभी गेस्ट हैरान होते हैं और मिस्टर यान तो भड़क ही जाते हैं। पंडित जी फिर से बोलते हैं बाव करो, लेकिन अगर दोनों ही नहीं झुकते, तीसरी बार भी नहीं झुकते। पर ना झुकना सॉल्यूशन नहीं था। गुजियामन का आर्मी थोड़ा साइड में खड़ा था जिससे वो इशारा करता है शायद उन लोगों ने अपनी आर्मी रेडी कर ली है और अभी लोग यान फैमिली पे अटैक करने वाले हैं। गुजियामन ने एक छोटा सा डैगर अपनी स्लीव्स में हाइड किया हुआ था, उसे निकाल ही रहा होता है वो कि तभी यहाँ डोंगजुन आकर शादी को रोकने बोलता है। उसके साथ चंगफंग भी था। सभी गेस्ट शॉक्ड हो जाते हैं। तभी अंकल हॉल के गेट के पास जाकर इन दोनों से पूछते हैं कि तुम लोग कौन हो, जिस पर डोंगजुन बताता है कि हम गेस्ट हैं। यहाँ मिस्टर यान डोंगजुन से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो डोंगजुन बताता है कि मैं यहाँ दुल्हन किडनैप करने आया हूँ, जिस पर गुस्सा होकर मिस्टर यान कसाई को ऑर्डर देते हैं कि वो अभी के अभी जाकर चंगफंग और डोंगजुन को मार दे। कसाई अपनी छुरी के साथ चंगफंग पे अटैक करने आगे बढ़ा होता है और चंगफंग भी उसे अपने स्पेयर से लड़ता है पर जल्दी हार जाता है। वो डोंगजुन को यहाँ से भाग जाने बोलता है क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि ये लोग बच नहीं पाएंगे। कसाई का अटैक इतना जोरदार था कि ये दोनों हॉल के बाहर जाकर गिरते हैं। चंगफंग को इस मोमेंट पर रियलाइज हो गया था कि वो लोग अब नहीं बच सकते हैं, पर वो कम से कम अगर खुद नहीं बच सकता तो डोंगजुन को बचाने की कोशिश करता है। उसे भाग जाने बोलता है लेकिन डोंगजुन बोलता है कि वो यहाँ ऐसे ही इतनी खतरनाक जगह बिना जीत की प्लानिंग करे नहीं आया था। वो किसी लियू ली को आवाज देता है। लियूली एक बहुत ही बड़ा सा सर्पेंट स्नेक है जो इतना ज्यादा बड़ा है कि कुछ भी इजीली तोड़ते। डोंगजुन इस सर्पेंट के सर पर जाकर खड़ा हो जा रहा है। ये बात मैक्सिमम सभी को पता होती है, इस सर्पेंट तो भाई ली फैमिली के पास है, जिस पर सभी लोग डोंगजुन से पूछते हैं कि तुम हो कौन। अभी कसाई भी सामने आता है और डोंगजुन को बोलता है कि मैंने पता करवाया था तुम्हारे बारे में, तुम तो वैन फैमिली से हो ना। वैन डोंगजुन, जिस पर डोंगजुन बता रहा है कि ये बात गलत है, मेरा असली नाम भाई ली डोंगजुन है, मैं भाई ली फैमिली से हूँ। लोग इस मोमेंट पर गॉसिप करने लग जाते हैं जिससे पता चलता है कि बायली फैमिली के ग्रैंड फादर ने पहले जंग में राजा का बहुत साथ दिया था और वो बहुत पावरफुल भी है। अभी वो मार्किस की पोजीशन पर है और वो पोते से बहुत प्यार करते हैं। पोते का नाम बायली डोंगजुन है और उन्होंने जो सर्पेंट था वो अपने पोते बायली डोंगजुन को गिफ्ट किया था। अब डोंगजुन की आइडेंटिटी सबको पता चल चुकी है कि वो बायली डोंगजुन है एक बहुत ही फेमस खानदान से, तो वो बोलता है कि अब तो मैं हूँ ना यहाँ गेस्ट बनने के लायक। बायली डोंगजुन की फैमिली इतनी पावरफुल होती है इसीलिए अंकल गु यहाँ आकर डोंगजुन को ग्रीट करता है काफी रिस्पेक्ट के साथ और फिर मिस्टर यान भी। तभी डोंगजुन बोलता है कि तुम क्या मुझे वेलकम कर रहे हो, तुमने सुना नहीं मैं तो ब्राइड को किडनैप करने के लिए आया हूँ। जिस पर मिस्टर यान बोलता है कि क्या तुम मेरी बहन को पहले से जानते हो या तुम उसको पसंद करते हो जो उसकी शादी रुकवाने आए हो। जिस पर डोंगजुन बोलता है कि नहीं, मुझे पहले से ही कोई और लड़की पसंद है। जिस पर चंगफंग उसे बोलता है कि अभी अपने प्यार के किस्से सुनाने का टाइम नहीं है, काम की बात करो। जिस पर डोंगजुन बोलता है कि हाँ हाँ सॉरी। तभी मिस्टर यान पूछता है कि अगर तुम मेरी बहन को जानते नहीं, उसके लवर नहीं हो, तो उसे क्यों ले जाना चाहते हो। सीन शिफ्ट हो जाता है शुवान और मंगशा पे, जो दोनों अभी भी वो एम्ब्रॉयडरी वाली औरत और वो लड़की और बाकी सभी लोगों से बैटल लड़ रहे थे। अब तक सभी सही सलामत खड़े थे, मुकाबला टफ था। तभी ये दोनों को भी वो सर्पेंट दिखाई देता है। मंगशा बोलता है कि ये बायली फैमिली का सर्पेंट है, यहाँ क्या कर रहा है और उस पर डोंगजुन क्यों गड़ा है। इनकी ट्यूबलाइट जलती है और रियलाइज होता है कि डोंगजुन असल में बायली फैमिली से है, बायली डोंगजुन। तभी वहाँ पर मो शाओ हे और लियू यू उस कॉफिन को लेकर यहाँ पहुँच जाते हैं, जिसमें मंगशा शुवान को बोलता है कि तुम और
और लियू यहीं रहकर मिस्टर यान की आर्मी का सामना करना, मैं और शाओहे ये कॉफिन लेकर अंदर जा रहे हैं। वो क्या है ना कि तुम और लियू इतने प्यारे दिल हो कि अंदर जाओगी तो सारी लाइमलाइट ही ले लोगे। ऊपर खड़े सोमोयो और छंगा हर थोड़ी थोड़ी देर में नीचे क्या सिचुएशन चल रही है उस पर बातचीत करते हैं। सोमोयो कहता है कि ये एक तरह से अच्छा ही हुआ कि हमारे इन्वॉल्व हुए बिना ही ये सब कुछ सही हो जाएगा। वहीं इस जगह से थोड़ा करीब ही यो याओ भी मौजूद थी, जो वहाँ व्हाइट हेयर डाइटी और पर्पल और एक अंकल के साथ खड़ी हुई, और ये लोग भी अंदर क्या हो रहा है उस पर नजर रखे हुए थे। ये जो पर्पल कलर के कपड़े पहना लड़का है, इसका नाम जो भी है, मैं यहाँ बहुत सारे कैरेक्टर हो गए हैं ऑलरेडी, इसीलिए हम इसे पर्पल ही बुलाएंगे। सो पर्पल एंड व्हाइट हेयर डाइटी अच्छे दोस्त है और ये दोनों ही स्काइज बियॉन्ड के मेंबर है। इनके साथ ये जो अंकल यानी एल्डर है, वो भी स्काइज बियॉन्ड का मार्शल आर्टिस्ट है। यो याओ और उसके लोगों का एक और मकसद ये भी है कि ये लोग डोंगजन को किडनैप करना चाहते हैं। वो क्या है कि ये डोंगजन पैदाइशी मार्शल आर्टिस्ट की स्किल को लेकर पैदा हुआ है, जो कि उसे खुद नहीं पता। यो याओ को वो चाहिए ताकि वो अपने फादर का मार्शल आर्ट उसे सिखा सके। एल्डर यहाँ यो याओ को ये भी सजेस्ट करता है कि अगर इन्हें शीना सर्किट पे राज करना है, अच्छा मौका है, अंदर चलते हैं। यान और गु फैमिली वैसे ही कमजोर हो चुकी है, जो फेमस यंग मास्टर्स है उनमें भी अब ताकत नहीं बची होगी। हम इन सबको अंदर जाकर आसानी से हरा देंगे और टॉप पर आ जाएंगे। जिस पर वाइर हेड आईटी बोलता है कि तो फिर हमारे वादे का क्या, जो हमने यान फैमिली से करा था कि हम उन्हें बचाएंगे। उस पर अंकल बोलता है कि यान फैमिली अभी वीक हो चुकी है, राज तो सिर्फ ताकतवर करता है, वीक नहीं। तो इन शॉर्ट इन्हें किसी की जरूरत नहीं है, ये लोग खुद ही इनफ पावरफुल है। जिस पर यू याओ भी मान जाती है, वाइट हेड आईटी को बोलती है कि जैसा अंकल कह रहे हैं वैसा ही करते हैं। तभी हमें फिर से अंदर की सीन को दिखाते हैं। अब तक मंगशा और शाओही अंदर कॉफिन को लेकर आ गए थे। कॉफिन खोलता है तो दिख जाता है कि अंदर असल में गु जियामन के भाई लाश पड़ी हुई है। जिस पर डोंगजन भी मिस्टर यान को क्लियर करता है कि आपकी बहन से मैं नहीं बल्कि ये शादी करना चाहता है। जिस पर मिस्टर यान और अंकल गु गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं कि ये तो लाश है। वहीं गु जियामन खुद अपने भाई की लाश को देखकर उसके बिल्कुल पास जाकर खड़ा हो जाता है और काफी शॉक भी होता है, क्योंकि उसे बताया गया था कि उसके भाई को कोई बीमारी हुई थी और उसकी बॉडी को इसलिए दफना दिया गया था। यहाँ मिस यान भी सामने आ जाती है, जो बताती है कि इस कॉफिन को उसी ने बुलवाया है, ये इसे शादी करना चाहती है। वो डोंगजन को बोलती है कि क्या तुम हमारी शादी सेलिब्रेट करोगे, जिस पर डोंगजन हाँ कहता है। मिस यान उसे लीकर पास करती है, डोंगजन पीता है और बोलता है कि ये लीकर इतनी खास नहीं है, वाइन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट तो तुम लोगों को मुझे देना चाहिए था। मिस्टर यान तो काफी गुस्से में आ गया था, वो पहले डोंगजन को मारने का ऑर्डर दे देता है। जिस पर गु फैमिली के बाकी सभी लोग उस पर भड़क जाते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, अगर तुम डोंगजन को यहाँ हमारे गले में मारोगे तो इल्जाम हम गु फैमिली वालों पर आ जाएगा। पर यान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि उसके लिए तो अच्छा ही है, गु फैमिली भी रास्ते से हट जाएगी। मिस्टर यान के ऑर्डर्स पर किसाई डोंगजन मंगशा शाओहे और चंगथन पे अटैक कर देता है, जिसे सभी इजीली डॉच कर देते हैं। लेकिन तभी मिस्टर यान के आर्मी सरपिन को कंट्रोल करने के लिए उस पर चेन्स फेंकते हैं, जिसकी वजह से वो डिसबैलेंस हो जाता है और डोंगजन भी नीचे गिर जाता है। पर चंगथन उसे जमीन पे गिरने नहीं देता, उसे अपनी बैग का सहारा देकर बचा लेता है। यहाँ सरपिन भी अपने आप को उन चेन्स से छुड़वा लेता है, थोड़ी तबाही मचाता है, मतलब बदला लेता है उन लोगों को गिरा कर जिससे इस पर चेन्स डाली थी। वो अपनी धुम से कसाई पर भी अटैक करता है, जिसके बाद कसाई के मुंह से खून आता है और वो भी बेहोश हो जाता है या मर जाता है, पता नहीं, क्लियर नहीं किया गया है। इसके बाद सरपिन फिर से चला जाता है और डोंगजन और चंगफंग एक जगह कोने में जाकर बैठ जाते हैं, क्योंकि अब मामला गु जियामन ने अपने हाथ में ले लिया था। कोने में बैठा डोंगजन चंगफंग को बोलता है कि मैं इतनी मेहनत करके यहाँ आया और अब लाइमलाइट से बाहर हूँ मैं। जिस पर चंगफंग बोलता है कि ये सब उनकी फैमिली का मैटर है, उन लोगों को ही हैंडल करने दो, जिस पर डोंगजन भी मान जाता है। ये बात अब प्रूफ हो गई थी कि गु जियामन के भाई की मौत बीमारी से नहीं बल्कि उसका मर्डर किया गया था, क्योंकि उसकी बॉडी पे तलवार के निशाना थे। वो अंकल को पूछता है कि ये सब क्या है, आपने तो बताया था कि मेरे भाई की मौत किसी बीमारी की वजह से हुई थी, उसकी बॉडी में वायरस था और फैले ना, इसीलिए उसे आपने दफना दिया, तो फिर अब ये मेरे भाई की बॉडी यहाँ क्या कर रही है हा? और उसकी बॉडी पे स्पॉट के निशाना क्यों है, यानी यही ना, आपने मिस्टर यान के साथ मिलकर उसे मरवा दिया। गु जियामन यहाँ अपनी आर्मी से अपनी स्वॉर्ड मांगता है और अपने ऊपर वाले रेड ड्रेस भी उतार देता है, काट कर फेंक देता है। उसने अंदर अपना वही फैमिली ड्रेस व्हाइट कलर वाला पहना हुआ था। वो अंकल को बोलता है कि हम गु फैमिली वाले किसी के आगे झुकते नहीं है, और तुमने तो यहाँ यान से ही हाथ मिला लिया, हमारी फैमिली शुरू से ही प्रेस्टीजियस रही है और हम नंबर वन है शिनान सर्किट में। मेरा भाई बचपन से ही फैमिली क्लैन का लीडर बन गया था और मैंने भी अकेडमी में जाकर ट्रेनिंग ली है, इसीलिए ताकि हम सबसे ताकतवर बन सके और अपने घराने के लिए लड़ सके। जिस पर अंकल समझ गया था कि उसका अंत होने वाला है, इसलिए वो गु फैमिली के अपनी आर्मियों को ऑर्डर देता है कि वो गु जियामन को मार दे, क्योंकि वो लीडर है और लीडर की बात सब मानते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी गु जियामन पर अटैक नहीं करता, क्योंकि वो लोग अंकल को नहीं बल्कि गु जियामन को अपना लीडर मानते हैं। गु जियामन भी अंकल को बोलता है कि कुछ लोग पैदा ही लीडर बनने के लिए होते हैं, उनकी ऑरा ही ऐसी होती है कि लोग खुद ही उनका कहना मानते हैं, जैसा कि मेरा भाई था और मैं हूँ, तुम नहीं। गु जियामन अब अपनी तलवार से अंकल का गला एक ही झटके में काट देता है और अंकल वहीं गिरकर मर जाता है। गु जियामन अब असल विलेन
मिस्टर यान पे अटैक करने वाला था कि तभी मिस्टर यान जोर से किसी को मदद के लिए पुकारता है। कह रहा है कि मैं हारने वाला हूँ, क्या तुम लोग कभी भी बाहर नहीं आओगे। वो असल में युवया और सीन को आवाज दे रहा था, लेकिन वो लोग एल्डर के कहने पर अब मिस्टर यान की मदद नहीं करने वाले थे। गुजयामन यहाँ पर कोई बहुत ही पावरफुल मूव करता है अपनी स्वॉर्ड के लिए, जिसे देख मिस्टर यान भी समझ आता है कि गुजयामन बहुत ही ताकतवर है। वो दोनों एक दूसरे से बैटल करते हैं। मिस्टर यान गुजयामन को बोलता है कि ठीक है, हम दोनों तब तक लड़ेंगे जब तक कोई एक मार नहीं जाता। तभी गुजयामन एक ही वार में उसे मार देता है। वहाँ मिस यान को भी अपने भाई मिस्टर यान की मौत पर अफसोस तो होता है, पर वो जानती थी कि यहाँ पर उसका भाई ही गलत था। दूसरी तरफ गुजयामन शाओही और मांशा को थैंक्स करता है यहाँ आकर उसकी मदद करने के लिए, और डोंगजुन और चंगफंग को भी थैंक्स करता है। तभी यहाँ पर किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही है। सामने टावर पर एल्डर, व्हाइट हेयर डायटी और पर्पल खड़े हुए थे। व्हाइट हेयर डायटी से शाओही का पहले भी सामना हो चुका था लास्ट वीडियो में, इसीलिए वो उसे बोलता है कि तुम फिर आ गए। उस पर व्हाइट हेयर डायटी बोलता है कि हाँ मैं फिर आ गया। तभी व्हाइट हेयर डायटी और पर्पल आकर इन लोगों पर अटैक कर देते हैं, जिसका सामना गुजयामन शाओही मंशा मिलकर करते हैं। दूसरी तरफ एल्डर जाकर अपनी आंखों से डोंगजुन को स्कैन करते हैं और वो जान जाते हैं कि डोंगजुन सच में एक पैदाइशी मार्शल आर्टिस्ट है। वो उसके पास जाकर उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं और उसे किडनैप करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन तभी चंगफंग उसका सामना करता है, डोंगजुन को बचाता है, लेकिन वो अंकल इतना ज्यादा पावरफुल था कि चंगफंग नीचे गिर जाता है और उसे लग जाता है। वो अंकल अब डोंगजुन को ले जाने ही वाला था कि वहाँ पर डोंगजुन का मामा आकर एल्डर पे खंजर से अटैक कर देता है, पर एल्डर उस खंजर को कैच कर लेता है। पर सोनू से रियलाइज होता है कि खंजर पे जहर लगा हुआ था और अब वो एल्डर देखते ही देखते मर जाता है, हवा में गायब हो जाता है। जो राइडी लेवल को अचीव कर लेते हैं वो ऐसे ही गायब हो जाते हैं। जब वो मरते हैं तो उनकी कोई फिजिकल बॉडी नहीं रहती। एल्डर मर गया था इसलिए व्हाइट हेयर डायटी और पर्पल भी यहाँ चले जाते, जिसके बाद अब यहाँ पे कोई और दुश्मन नहीं बचा था। यहाँ डोंगजुन अपने मामा से पूछता है कि आप यहाँ कैसे आए, जिस पर मामा बताता है कि मुझे तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें वापस लाने के लिए भेजा है, क्योंकि तुम मेरे अलावा किसी और की बात मानते ही नहीं हो। जो मामा है वो भी बहुत ही फेमस मार्शल आर्टिस्ट है, मामा वेन फैमिली से है, और अब इसीलिए मामा से मंगशा शाओही और गुजयामन हायरो करते हैं। मामा गुजयामन से पूछता है कि अब तुम ये सब कैसे हैंडल करोगे, जिस पर गुजयामन बोलता है कि वो तो यान फैमिली पे डिपेंड करता है कि अब वो लोग क्या करना चाहते हैं। तभी मिस यान सामने आती है और यान फैमिली के सभी गार्ड्स को बताती है कि मैं अब तुम्हारी फैमिली की लीडर हूँ, क्योंकि मिस्टर यान मर चुका है। सभी उसको अपना नया लीडर एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर वो बताती है कि वो गु फैमिली से नहीं लड़ना चाहती और ये लोग अब यूनिटी से रहेंगे। यहाँ गु और यान फैमिली का जो झगड़ा था वो रिजॉल्व हो गया है और अब इनके बीच सब अच्छा है। तभी मिस यान अभी भी गुजयामन के मरे हुए भाई से शादी करने वाली थी और वो खुश भी थी। वही डोंगजुन का अंकल उसे बोलता है कि अब हमें चलना चाहिए, यहाँ हमारा काम खत्म हो चुका है। उसका अंकल डोंगजुन को फ्लाई करवाता हुआ टावर के ऊपर ले जाता है। तभी हमें चंगफंग को दिखाते हैं जो बेचारा बहुत जख्मी हो चुका था और डोंगजुन को ज्यादा देख दुखी होता है, अपना सर झुका लेता है। लेकिन तभी डोंगजुन अपने अंकल को बोलता है कि वो चंगफंग को भी साथ ले जाना चाहता है, क्योंकि उससे मेरी जान बचाई है। मामा चंगफंग को आवाज लगाते हैं, बोलते हैं क्या तुम नहीं चल रहे हमारे साथ, जिस पर चंगफंग खुश हो जाता है और इन दोनों के साथ चले जाता है। रास्ते में डोंगजुन चंगफंग से बातें करता हुआ उसे बता रहा होता है कि उसे एट यंग मास्टर्स की दोस्ती बहुत अच्छी लगी, उसने देखा कि कैसे वो लोग एक दूसरे का कितना साथ देते हैं। वो बताता है कि मेरे पास भी एक दोस्त हुआ करता था। हमें अब फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि डोंगजुन जब छोटा था तो उसका एक फ्रेंड था, वो एक जनरल का बेटा था और डोंगजुन एक मार्किस का, और बड़े होकर दोनों को ही अपने पेरेंट्स के फुटस्टेप्स पे चलना था। लेकिन ये लड़का बोलता है कि वो तो बड़ा होकर मार्शल आर्ट्स की दुनिया को डिस्कवर करना चाहता है। वो बोलता है कि मैं बड़ा होकर कैपिटल सिटी से चला जाऊंगा और उसे सीखकर लोगों की मदद करूंगा, जिस पर छोटे डोंगजुन ने बोला था कि वो भी ऐसा ही करना चाहता है, वो भी साथ चलेगा। तो ये लड़का बोलता है कि ठीक है, हम दोनों साथ ही सिटी को छोड़ देंगे और अलग अलग जाकर मार्शल आर्ट्स की दुनिया को डिस्कवर करेंगे। जब हम डाइटी लेवल पर पहुंच जाएंगे तो फिर एक दूसरे से दोबारा मिलेंगे, जिस पर डोंगजुन ने भी हाँ बोला था। प्रेजेंट में डोंगजुन चंगफंग को यही बता रहा होता है और कहता है यार मेरा वो दोस्त मर चुका है। वो कहता है लेकिन अभी मेरे पास एक दोस्त है। वो चंगफंग को अपना दोस्त कहकर बुला रहा होता है, जिस पर चंगफंग बहुत खुश हो जाता है। डोंगजुन अब अपनी मामा को चंगफंग की जान बचाने के लिए बोलता है। वो उन्हें बताता है कि चंगफंग को दिल की कोई बीमारी है और अभी गुजयामन के घर पे जो फाइट हुई उसके बाद चंगफंग की तबीयत और भी बिगड़ गई है, जिसके बाद मामा इन दोनों को ही एक इन में ले जाता है। उसी इन में युवया उसके साथ ही वाई और पर्पल भी और तो सुमोयू और चंगा भी ठहरे हुए थे। वो चंगफंग और डोंगजुन को रूम में ले जाता है, फिर वो वहाँ बहुत सारी मटकी वाइन भी मंगवाते हैं, जिस पर डोंगजुन पूछता है कि क्या हम वाइन पीने वाले हैं, जिस पर मामा बताते हैं कि ये वाइन के मटके पीने के लिए नहीं है बल्कि चंगफंग को ठीक करने के लिए है, जिस पर चंगफंग इनको थैंक्स करता है। तभी मामा बताते हैं कि मैं तुम्हारी बीमारी को पूरी तरह से तो ठीक नहीं कर पाऊंगा, मगर मैं तुम्हें टेम्पररी यानी कुछ दिन के लिए ठीक कर सकता हूँ, जिस पर चंगफंग मार जाता है। मामा बोलते हैं कि पर मेरी एक बात समझ नहीं आ रही, तुम्हारी तबीयत इस वक्त जितनी खराब है ना, तुम ठीक ऐसे खड़े हो मेरी समझ में नहीं आ रहा, जिस पर चंगफंग बोलता है कि बस गिरने ही वाला हूँ, और इतनी देर में वो बेहोश भी हो जाता है। जिसके बाद मामा वाइन के मटकों को एक साथ बाथटब में खाली करवाते हैं।
उस पानी में स्कॉर्पियो और स्नेक्स भी थी, हर तरह का पॉइजनस कीड़ा था। वो लोग चंगपंग को इस पानी में लिटा देते हैं। डोंजन मामा से पूछता है कि आप इसे ठीक कैसे करोगे। जिस पर मामा बताता है कि वो चंगपंग को ठीक कर देगा अगर उसे स्पेस मिले, तो इसीलिए वो डोंजन को कमरे से बाहर जाने बोलता है, जिसके बाद डोंजन कमरे से बाहर चला जाता है। कॉरिडोर में खड़े रहकर वो वाइन पी रहा होता है कि तभी सुमुई और चंगा अपने कमरे से बाहर आते हैं, तो यहाँ से रवाना हो रहे थे। चंगा डोंजन को देख बोलता है कि तुम कमरे के बाहर क्या कर रहे हो। जिस पर वो बताता है कि मेरे दोस्त का अंदर इलाज चल रहा है। तभी वो जब सुमुई को दिखता है तो घोस्ट करके बुलाता है, जिस पर चंगा हंस जाता है। डोंजन सुमुई को थैंक्स करता है उस दिन इसे जाने देने के लिए, जिसके बाद सुमुई और चंगा यहाँ से अब चले जाते हैं। और चंगा भी ये बोल कर जाता है कि तुम काफी इंटरेस्टिंग हो, मैं तुमसे बाद में कभी मिलना फुर्सत से पसंद करूंगा। अब एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 की स्टार्ट में कई दिन रेस्ट के बाद चंगपंग ठीक होकर बाहर आता है, जिसे देख डोंजन बहुत खुश होता है। दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं कि चंगपंग के ड्रेस के अंदर से एक छोटी सी स्नेक बाहर आती है। चंगपंग डर जाता है कि तभी वहाँ मामा आते हैं और बताते हैं कि इन स्नेक से ही चंगपंग की जान बचाई है, उन स्नेक्स के पॉइजन। और उस स्नेक्स और भी स्नेक्स जो नीचे घूम रही थी, उन सभी को अंकल अपनी स्लीव्स के अंदर डाल देता है। चंगपंग मामा से पूछता है कि क्या मैं सच में ठीक हो गया। जिस पर मामा बताते हैं कि उन्होंने चंगपंग के घाव पॉइजन से ठीक तो कर दिए हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ है, वो बस कुछ ही दिन जी सकेगा। वो चंगपंग को एक मैप देते हैं और बताते हैं कि इस जगह को फॉलो करके इस आदमी के पास चले जाओ, वो तुम्हें बचा लेगा। वो आदमी क्लेम करता है कि वो किसी भी तरह के पॉइजन को टॉक्सिफाई कर सकता है, और मेरा ये क्लेम है कि मेरे पॉइजन से कोई बच नहीं सकता, तो तुम इस आदमी के पास जाओ, ये जो जहर मैंने तुम्हें दिया है वो भी ठीक कर देगा और तुम्हारे दिल की बीमारी भी, क्योंकि ये मुझसे काफी जलस है और मेरा मुकाबला जरूर करेगा। जिस पर चंगपंग मान जाता है। मामा बताता है कि तुम्हें 10 दिन में इस आदमी को ढूंढना होगा, नहीं तो तुम मर जाओगे। अब चंगपंग डोंजन को खुदा हाफिज करता है। दोनों दोबारा मिलने का वादा करते हैं, वाइन के साथ चीयर्स करते हैं और फिर चंगपंग वहां से चला जाता है। डोंजन और मामा भी इस शहर से चले जाते हैं। मामा डोंजन को बताते हैं कि वो उसे उसके पेरेंट्स के पास भेज रहे हैं और खुद स्वॉर्ड्स फॉरेस्ट जा रहे हैं। ये एक ऐसा फॉरेस्ट है जो ओलंपिक्स की तरह 4 साल में एक बार लगता है। यहाँ पर दूर दूर से लोग तलवार को जीतते या क्लेम करने आते हैं। डोंजन बताता है कि उसने एक यंग मास्टर से इंस्पायर होकर ये फैसला किया है कि वो भी एक स्पोर्ट्समैन यानी मार्शल आर्टिस्ट बनेगा, इसीलिए वो भी मामा के साथ स्पोर्ट्स विलेज जाकर अपने लिए स्वॉर्ड क्लेम करेगा। वो बोलता है कि जैसे गुजियाम में जब मुश्किल में पड़ा था तो उसके दोस्तों ने उसकी मदद की थी, उसी तरह अगर मेरे दोस्त भी किसी मुश्किल में पड़ जाते हैं और उन्हें मेरी जरूरत पड़ती है, तो मैं भी तलवार को उठाकर उनकी मदद कर पाऊंगा। तो इसीलिए मामा मान जाते हैं और अब मामा और डोंजन स्पोर्ट्स विलेज के लिए निकल जाते हैं। तभी हम एक लड़के को दिखाते हैं जो किसी गांव में ठहरा हुआ था। वहाँ कोई बच्चा आकर उसे जगाता है और बोलता है कि तुम क्या पूरा दिन सोते रहते हो, ऐसे तो तुम्हें कोई लड़की नहीं देगा। जिस पर ये लड़का उठ जाता है और बताता है कि वो यहाँ से जा रहा है मार्शल आर्ट्स की दुनिया को डिस्कवर करने, और एक दिन ये इतना ताकतवर हो जाएगा कि कंट्री सिटी जाकर चैलेंज करेगा। इस लड़के का नाम शुफंग होता है। ये लड़का असल में इस विलेज में कुछ दिन ठहरा हुआ था और यहाँ के लोग और इस बच्चे के साथ उसकी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। ये बच्चा इस लड़के से शादी के बारे में पूछता है, कहता है कि मत जाओ ना, यहीं रुक जाओ, मेरी बहन से शादी कर लेना। जिस पे ये लड़का बताता है कि उसकी मंगनी ऑलरेडी हो चुकी है किसी और के साथ। ये लड़का बताता है कि अब से मैं अपना नाम बदल कर डिंगजी रख रहा हूँ, क्योंकि ये नाम मार्शल आर्ट्स की दुनिया में फेमस होने के लिए अच्छा है। सो डिंगजी इस शो का सेकंड मेन लीड कैरेक्टर है। ये बच्चा उससे पूछता है कि मैं तुम्हें बाद में कैसे ढूंढूंगा। जिस पर डिंगजी बोलता है कि जब मैं फेमस हो जाऊँ ना तो तुम सबको बता देना कि मेरा असली नाम शुफंग है, फिर मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। जिस पर ये बच्चा मान जाता है। हमें अब दिखाया जाता है स्वॉर्ड्स विलेज वाला गाँव, जहाँ पर हर किसी के पास स्वॉर्ड्स थी, यहाँ तक के डॉग्स के पास भी। डोंजन और मामा एक फेमस शराब की दुकान से वाइन लेते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। डिंगजी भी शहर में आ चुका था। अब डोंजन और मामा स्पोर्ट्स विलेज जा रहे थे। वहाँ के रास्ते में बहुत सारी तलवारें थी और रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। रास्ते में काफी धुंध भी थी, लेकिन ये दोनों और कई सारे और लोग फाइनली स्वॉर्ड्स फॉरेस्ट के मुकाबले वाली जगह पर पहुँच जाते हैं। आज का जो इवेंट है वो फेमस स्वॉर्ड्स क्लैन का सबसे छोटा बेटा होस्ट कर रहा है। ये फैमिली ही हर 4 सालों में ये इवेंट करवाती है। मामा डोंगजन को बताता है कि ले मंगशा की जो वाइफ है वो भी इसी फैमिली की बेटी है। अब सब लोग आ चुके थे, इसीलिए मुकाबला स्टार्ट होता है। यहाँ 4 लेवल्स की स्वॉर्ड एजेंट होने वाली। पहली स्वॉर्ड को दिखाया जाता है, जिसको भी वो स्वॉर्ड को क्लेम करनी हो वो सामने आ जाएगा और जितने भी लोग आए होंगे उनके बीच में मुकाबला होगा और जो जीतेगा उसी को स्वॉर्ड मिलेगी। पहले और दूसरे लेवल की स्वॉर्ड से ही अब मुकाबला हो चुका था। तभी थर्ड स्वॉर्ड प्रेजेंट की जाती है जो बहुत ही पावरफुल थी। इसे क्लेम करने कुछ लोग उतरते हैं, लेकिन इन सभी को एक लड़का जिसका नाम वांग ई शिंग है वो अपनी स्वॉर्ड से हरा देता है। शिंग सभी को बताता है कि उसने स्वॉर्ड अपने छोटे भाई के लिए क्लेम किया है। मामा डोंगजन को बताता है कि शिंग
सिंह वुशंग माउंटेन का टॉप डिसाइपल लग रहा है और इसने अभी जो स्वॉर्ड टेक्निक यूज की है उसे फ्लाइंग स्वॉर्ड कहते हैं। ये लोग स्वॉर्ड्स को इशारों से उड़ा सकते हैं, स्वॉर्ड के क्लोन्स बना सकते हैं और ये सिर्फ वुशंग माउंटेन में ही ट्रेनिंग लेने वाले लोगों को आता है। अब फोर्थ स्वॉर्ड को दिखाया जाता है, ये तो थर्ड वाली से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस स्वॉर्ड को क्लेम करने की हिम्मत तो कोई कर ही नहीं रहा था। तभी एक फेमस स्टैंड का डिसाइपल आता है और बोलता है कि जो भी इस स्वॉर्ड के लिए मुझसे मुकाबला करना चाहता है वो सामने आ सकता है, अगर कोई भी नहीं आता, क्योंकि ये लड़का जिस क्लैन से है वहाँ के लोग बहुत अच्छा मार्शल आर्ट जानते हैं। तभी डिंगजी स्टेज पर आता है और कहता है कि मैं इस स्वॉर्ड के लिए तुमसे मुकाबला करूंगा। सब लोगों को लगता है कि ये तो अभी हार जाएगा, लेकिन डिंगजी मुकाबला जीत जाता है और दूसरा लड़का एम्बैरस होकर नीचे अपनी जगह पर चला जाता है। स्वॉर्ड डिंगजी की हो जाती है, लेकिन तभी डोंगचुन सामने आता है और कहता है कि उसे भी स्वॉर्ड हासिल करनी है। मामा तो शर्मिंदा होते हैं कि डोंगचुन पता नहीं क्या करेगा। डिंगजी डोंगचुन से उसका नाम पूछता है, डोंगचुन बताता है कि उसका नाम बाइली डोंगचुन है और ये सुन डिंगजी थोड़ा शांत सा पड़ जाता है। वो बोलता है कि ये तो अभी भी पगला है। इसका मतलब हुआ कि डिंगजी डोंगचुन को उसके नाम से पहचान लिया है और शायद ये दोनों बचपन में दोस्त थे। डोंगचुन भी बोलता है कि मुझे तुम देखे देखे से लग रहे हो, पर उसे ठीक से कुछ याद नहीं और डिंगजी भी उसे कुछ नहीं बताता। डोंगचुन इस वक्त काफी ज्यादा नशे में भी था क्योंकि वो कब से वाइन पिया जा रहा था। डिंगजी उसे बोलता है कि तुम बिना तलवार के मुझसे मुकाबला कैसे करोगे। जिस पर डोंगचुन को रियलाइज होता है कि उसके पास तो तलवार ही नहीं है। फिर शिंग थोड़ी देर के लिए ये वाली स्वॉर्ड जो उसने भाई के लिए दी और अब डिंगजी डोंगचुन पे अटैक कर देता है। यहाँ डोंगचुन जोश में आकर थोड़ा डॉच कर देता है, लेकिन डिंगजी उसे एक झटके में हरा देता है और डिंगजी तो अपनी स्वॉर्ड से डोंगचुन के कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा भी काटे निकाल देता है। सब लोग डोंगचुन को बोलते हैं कि नीचे आ जाओ, ये तुम्हारे बस का नहीं है, लेकिन डोंगचुन को स्कॉलरली डाइटी से सीखा हुआ एक मूव याद आता है जो वो करने लगता है। ये स्वॉर्ड डांस के कुछ स्टेप्स थे। स्कॉलरली डाइटी जैसा कि वेस्टर्न चू से है और उनकी कंट्री अब नहीं रही है, सब समझते हैं कि स्कॉलरली डाइटी भी मर गया है, पर वो जिंदा है और डोंगचुन की फैमिली ने उन्हें पनाह दी हुई है। डोंगचुन ने बस एक बार स्कॉलरली डाइटी को ये करते हुए देखा था और अभी वो नशे में सबके सामने वही वाले स्टेप्स को करने लग गया था। डोंगचुन जब इन स्टेप्स को कर रहा था तो यहाँ फूलों की कलियाँ उसकी स्वॉर्ड के मूव्स के साथ चल रही थी। सब लोग हैरान थे कि डोंगचुन ये मूव्स कैसे कर रहा है, क्योंकि उसे परफॉर्म करने वाला तो मर चुका है। स्कॉलरली डाइटी ने डोंगचुन को बोला था कि ये मूव कोई भी नहीं कर सकता और अगर इसे करने वाला कोई है तो वो बाइली फैमिली में से कोई हो सकता है। अभी लोग यहाँ बातें कर रहे थे कि पास्ट में स्कॉलरली डाइटी और उसका एक दोस्त हुआ करता था, उसी ने स्वॉर्ड डांस की मदद से अपनी पूरी कंट्री को बचा के रखा हुआ था। उन्होंने 9000 आदमियों का सामना कर लिया था सिर्फ इस स्वॉर्ड डांस की मदद से, लेकिन आखिर में वो हार ही गए। ये जो स्वॉर्ड मूव्स है वो एक सॉन्ग के साथ होते हैं जो डोंगचुन फिलहाल नहीं बोलता। ये मूव्स प्रैक्टिस कर लेने के बाद डिंगजी डोंगचुन की तारीफ करता है, फिर डोंगचुन वाइन मांगता है। उसकी वाइन खत्म हो चुकी थी पर मामा उसे अपनी वाइन पास कर देते हैं। डिंगजी बोलता है कि जरूर ये वाइन अच्छी होगी, जिस पर डोंगचुन किसी और की वाइन डिंगजी को दे देता है और दोनों वाइन पीकर चीयर्स करते हैं और फिर डोंगचुन दोबारा यही स्वॉर्ड डांस करता है, लेकिन इस बार गाने के साथ। वो सॉन्ग की लिरिक्स भी बोलता है जिस पर सभी गेस्ट खुश होते हैं। जो बड़े बड़े मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर आए हुए थे वो इसे गर्व की बात कहते हैं कि वो इतने लकी हैं कि उन्हें स्पॉट टाइम फिफ्थ सॉन्ग सुनने को मिल रहा है। एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अगर आपको इस शो के आगे के पार्ट देखने हैं तो कॉमेंट्स करो गाइस, वरना शायद मैं इस ड्रामे को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी क्योंकि इस शो को लिखने में और एडिट करने में बहुत मेहनत लग रही है, क्योंकि इसमें छोटी छोटी चीजों को मुझे आपको बताना पड़ता है और उसी में तो मजा आता है। इसीलिए लेट मी नो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस शो को कंटिन्यू रखूं। बाकी मैंने एक और शो पे वीडियो अपलोड की है जिसका नाम है स्नोफॉल, जो कि एक वैम्पायर और क्यूट सी ब्लाइंड लड़की की कहानी है, तो प्लीज उसको भी देख लेना अगर आपको ऐसी स्टोरीज पसंद आती है। तो फिलहाल के लिए गुड बाय।